नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पूजा श्रीवास्तव किचन फैमिली में। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बहुत ही यमी और टेस्टी सब्जी लेके, जो कुछ ही मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है, जिसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। तो जी हाँ, इसका नाम है वेज तवा फ्राई, जो जनरली हम घर पे तो नहीं बनाते हैं, बट मैरिजेस और पार्टी में इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और अपने चैनल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वेज तवा फ्राई बनाने की रेसिपी। मैंने यहाँ थोड़ी सी भिंडी ली है, उसको ऐसे कट कर लिया है 2 पीसेस में। बैंगन लिए हैं, ऊपर से उनकी डंडी कट करके उनमें 4 कट लगा दिए हैं। अरबी ली है मैंने, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, आप चाहे तो बॉइल्ड अरबी भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने करेले लिए हैं, उनको 2 भागों में काट के बीच में से मैंने कट लगा के थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए मैंने नमक लगा के उनको रख दिया है, ताकि उनका कड़वापन दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। तो चलिए कढ़ाई गर्म हो गई है, उसमें ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब स्लोली स्लोली हम इन सारी सब्जियों को फ्राई करते हैं। देखिए मैंने भिंडी डाल दी है, मैंने बीच में से कट लगाया है, आप चाहें तो थोड़े छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं। देखिए इनको धीरे धीरे सारी सब्जियों को हल्का हल्का क्रंची कर लेना है, क्योंकि लाइटली सी तो ये तवे में भी फ्राई हो ही जाएगी। तो भिंडी हमारी एकदम क्रंची हो गई है, अब हम इन्हें एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इनको सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी क्रंची ही रहती हैं। आप देखा होगा मैरिजेस वगैरह में इतनी सारी तवे की सब्जियां होती हैं और थोड़ी थोड़ी क्रंची ही रहती हैं, तो अगर हम इनको एकदम गला देंगे तो इनका वो तवे वाला टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम सारी सब्जियों को इस तरीके से निकाल लेंगे और धीरे धीरे करके सारी सब्जियां हम इसमें क्रंची करके फ्राई कर लेते हैं। और इसके बाद हम करेंगे आप अरबी, मैंने यहाँ पर स्लाइसेस कर लिए हैं अरबी के, ये देखिए। आप चाहें तो इसको बॉईल भी कर सकते हैं और बॉईल करके फ्राई कर लीजिए, बट तो वो फिर क्रंचीनेस थोड़ी सी खत्म हो जाती है। अप टू यू, आप जैसे करना चाहें फ्राई को कर सकते हैं। आप आलू भी ले सकते हैं, ऐसे ही आलू फ्राई कर लीजिए, बॉईल करके आलू को फ्राई कर लीजिए, आप जैसे चाहें वैसे करें। चलिए इनको फ्राई करते हैं, अरबी को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए अरबी अच्छे से फ्राई हमारी हो गई है, अब इनको हम धीरे धीरे करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे बैगन, देखिए धीरे धीरे करके हम अपने बैगन भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बैगन फ्राई हो रहे हैं, धीरे धीरे करके इनको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और फिर प्लेट में इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए बैगन भी हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से, अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारी सब्जियों की तरह। और इसके बाद हम करेंगे अपने करेले, ये देखिए एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गए हैं हमारे बैगन। आप चाहें तो इसकी डंडी रख सकते हैं, बट हाइजीन पर्पस से मैंने इसकी डंडी निकाल ली और 4 कट लगा लिए। चलिए करेले हमने 15 मिनट के लिए नमक लगा के कट करके रखे थे, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम अपने करेले भी इसमें डालेंगे और इनको इसी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से क्रंची ना हो जाए और आधे गल ना। ये देखिए करेले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसको भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को करते हैं बंद और देखते हैं
अगला प्रोसेस क्या है, ये देखिए अच्छे से हमने सारी सब्जियां, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने सारी सब्जियां बॉइल कर ली हैं। ये देखिए सारी सब्जियां हमारी, माफ कीजिएगा, बॉइल नहीं फ्राई अच्छे से हो गई हैं। अब इनको बनाते हैं तवे पे। तो ये देखिए सारी सब्जी हमने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल ली है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच धनिया और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर सकते हैं और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है और अब इन सब मसालों को हम आपस में ऐसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए एक मिक्सचर सा बना लेंगे इसका, ये देखिए। और अब ये मसाला हमें इन सब्जियों पे अच्छे तरीके से कोट करना है। तो ये देखिए ऐसे, देखिए, ताकि जब ये तवे पे फ्राई हो तो ये फीकी फीकी ना रहे और इनका टेस्ट और भी एनहांस हो जाए। चलिए अब इनको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारा मसाला सब्जियों पे अच्छे से कोट हो गया है और अब हम इनको बनाते हैं तवे पे। तो चलिए तवा लेके आते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने तवे को गरम कर लिया है और उस पे हल्की सी ऑयलिंग कर दी है, ग्रीसिंग कर दी है। यहाँ मैंने डोसे वाला तवा लिया है। अगर आपके पास डोसे वाला तवा नहीं है तो आप नॉर्मल तवा जिसपे हम घर में रोटियां बनाते हैं आप वो भी ले सकते हो। यहाँ मैंने डोसे वाला तवा लिया। तो चलिए अब इस पे हम सब्जियां स्लोली स्लोली अरेंज करते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने स्टार्टिंग किया बैगन से। अच्छे से सारी सब्जियां मैंने मसाले में कोट कर दी है। ये देखिए लग रहा है ना एकदम जैसे हम शादी में भैया को बोलते हैं, भैया बैंगन दे दीजिए, थोड़ी सी भिंडी दे दीजिए, थोड़ी सी अरबी दे दीजिए। चलिए आज आपको वही टेस्ट एंजॉय कराते हैं। देखिए करेले स्लोली स्लोली मैं सारे अरेंज करती हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। आप चाहें तो बॉइल्ड आलू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, स्टफ्ड शिमला मिर्च या नॉर्मल शिमला मिर्च बनाना चाहे वो भी ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी सब्जियां लेना पसंद करेंगे। ये देखिए सारी सब्जियां हम ऐसे लगा रहे हैं। तो चलिए सारी अरेंज करते हैं सब्जी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी सब्जियां तवे पे अरेंज कर दी हैं और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अब ग्रेवी के लिए जो मैंने इसकी स्पेशल ग्रेवी तैयार की है उसका लिंक और उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी है, मैजिकल ग्रेवी के नाम से वो मेरी रेसिपी है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब ग्रेवी थोड़ी रखते हैं और सब्जियों में उसको थोड़ा सा सौते करते हैं और फिर तवा फ्राई सब्जी बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले डालते हैं थोड़ा सा व्हाइट बटर। आप चाहें तो सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं बट व्हाइट बटर का थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है ग्रेवी में भी और वैसे भी। अब व्हाइट बटर के बाद हम लेते हैं थोड़ी सी अपनी ग्रेवी। ये देखिए ग्रेवी लेंगे, थोड़ा सा इसको व्हाइट बटर में सौते करेंगे। तो बताइए आपको व्यूअर्स कौन सी सब्जी पहले खानी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सौते करेंगे 2 करेले। तो पहले करेले को इसमें थोड़ा सा फ्राई करते हैं और इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। तो ये देखिए तो आप सोच रहे होंगे ग्रेवी तो काफी थिक है, तो इसमें अपने अकॉर्डिंग स्लाइटली सा डालेंगे हम पानी। तो चलिए थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पक रहे हैं जब तक करेले, इसमें अपने
थोड़ी सी ग्रेवी को पतला करने के लिए ये डाला हमने 2 चम्मच पानी और इसको थोड़ा सा पकाते हैं जब तक इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर न लग जाए। लग रहा है ना एकदम शादियों वाला टेस्ट? जी हाँ, देखिए कितनी आसान रेसिपी है। हम सोचते थे कि पता नहीं इस सब्जी को बनाने में कितना टाइम चाहिए। ये देखिए अच्छे से हमने इसको थोड़ा तेज आंच पे पका दिया है और हमारे करेले एकदम बनके रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक साइड प्लेट में और उसके बाद हम देखते हैं हम कौन सी सब्जी फ्राई। तो चलिए थोड़ा सा बटर और लेते हैं, अगर आप चाहें तो बटर कम भी कर सकते हैं, और डालते हैं थोड़ी सी ग्रेवी। ये देखिए और थोड़ी सी ग्रेवी और बटर में अब चलिए डालते हैं थोड़ी सी अरबी। देखिए अरबी के पीसेस और इसको थोड़ा सा सौते करते हैं और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच पानी। ये देखिए अरबी भी अच्छे से जब तक और सौते हो जाएगी। सब्जी हमें मैं बारी बारी कह रही हूँ फ्रेंड्स गलानी नहीं है, फ्राई करते में थोड़ी सी कच्ची ही रखनी है, मतलब क्रंची रखनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से अरबी भी पक गई है हमारी। अब ये देखिए और बहुत अच्छी महक आ रही है इस सब्जी में से। मैं आप सभी व्यूअर्स से एक दरख्वास्त करूंगी कि आप मेरी इस रेसिपी को एक बार घर में जरूर ट्राई करें। अपना मन ना मारे कि हम ये सब्जी सिर्फ शादियों में ही खाने को मिलती है, आप हम इसको घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से अभी फ्राई हो गई है। गैस को थोड़ा सिम करते हैं और इसको भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर हम ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी सब्जियां सौते कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हमने मसाला भिंडी भी तैयार कर ली है अपनी फटाफट से, है ना फ्रेंड्स इजी। और प्लीज ट्रस्ट मी ये सब्जी खाने में बहुत ही और टेम्पटिंग एज वेल एज टेस्टी और यमी लगती है। आप इसे जरूर ट्राई करें एक बार, आई एम श्योर आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को ये सब्जी बहुत पसंद है। तो चलिए बातें करते करते हमारी भिंडी की भी सब्जी एकदम फ्राई होके रेडी हो गई है खाने की। तो चलिए इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लें। तो एक बार फिर से बटर डालेंगे। बटर डालने में प्लीज आप कंजूसी मत करिएगा क्योंकि रोज रोज तो हम ये सब्जी बनाते नहीं है, तो जब भी बनाएंगे तो हम मन भर के और टेस्ट के साथ जरूर खाना चाहेंगे। तो चलिए बटर में थोड़ा सा सौते करते हैं बैगन को और साथ में हम 1 चम्मच इसमें भी ग्रेवी डालेंगे और साथ ही साथ 1 चम्मच हम पानी डाल देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से बैगन भी हमारे बनके रेडी है। थोड़ा सा इसको बैगन को सौते करेंगे। तो ये देखिए बैगन भी एकदम से बटर में एकदम बनके रेडी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी से इसको खा लूं, बट नहीं, अभी मेरे को आपको ये वीडियो दिखाना है। तो देखिए है ना जबरदस्त सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को पूजा श्रीवास्तव किचन को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें मेरी रेसिपीज। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए ताकि डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी मैं रोज आप तक पहुंचाती रहूं। ये देखिए हमारी सारी सब्जी ऑलमोस्ट हमने तैयार कर ली है। देखिए फ्रेंड्स वेज तवा फ्राई बनके एकदम रेडी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट यमी और टेम्पटिंग लग रही है और देखने में जितनी सुंदर है खाने में उससे ज्यादा स्वादिष्ट है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि एक बार इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ के इसे खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स अगर मेरी इस तवा वेज फ्राई सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को पूजा श्रीवास्तव किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि मेरी रोज रोज नई नई रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए बाय एंड वेट फॉर माय
नेक्स्ट वीडियो।